दोस्तों, मुसलमानों का खाना पीना, उठना बैठना, सोना चलना, सबका तरीका दीन इस्लाम में बताया गया है और ज्यादातर मुसलमान भी अपनी जिंदगी दीन इस्लाम पर गुजारना ही परम कर्तव्य समझते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म में मांस खाना जायज माना गया है, पर इसमें भी कुछ शर्तें हैं। वो ये कि क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। आपने भी सुना होगा कि सुअर का मांस खाना इस्लाम में हराम माना गया है, लेकिन इसके पीछे की वजह जानते हैं आप? जानेंगे इसके पीछे के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण आज की इस खास वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखकर नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर। दोस्तों, आपको बता दें कि मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब कुरान पाक की सूरा 2 आयत 173, सूरा 5 आयत 3 और भी कई आयतों के जरिए आदेश दिए गए हैं कि मुसलमानों को ऐसे किसी भी जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो हलाल ना हो और जो जिम्बा ना किया गया हो। अब कौन सा जानवर है जो इस्लाम में हराम बताया गया है? कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र किया गया है कि मरे हुए जानवरों का मांस खाना हराम है। ऐसा जानवर जो किसी वजह से मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, बीमारी से मरा हो, या फिर ऐसा कोई भी जानवर जो अल्लाह का नाम लेकर जिम्बा ना किया गया हो, उसको खाने की मनाही होती है। कुरान की सूरा 5 आयत 3 में लिखा है, उसने तुम्हें केवल मना किया है मृत पशु, खून, सुअर का मांस और वे सब जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम हो। लेकिन अगर किसी की मजबूरी है, बिना इच्छा किए और बिना हद पार किए, उस पर कोई पाप नहीं है। अल्लाह वाकई रहमत करने वाला और माफ करने वाला है। दोस्तों, खास तौर पर यहाँ सुअर के मांस को ना खाने की हिदायत दी गई है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि बाइबल में भी सुअर के मांस खाने की मनाही है? बुक ऑफ लेविटिकस के चैप्टर नंबर 11 के वर्स नंबर 7-8 में भी सुअर के मांस को ना खाने का उल्लेख है। ये दोनों ही धार्मिक किताबें सुअर के मांस को ना खाने को कहती हैं। आखिर समस्या क्या है? इसका जवाब छिपा है सुअर के कैरेक्टर में। दोस्तों, सुअर एक मौका परस्त जानवर है, जो भी मिले खा लेता है। पेड़ पौधे हो, मरे हुए जानवरों का सड़ता हुआ मांस हो, या फिर मल ही क्यों ना हो, आप कह सकते हैं कि विकसित देशों में सुअर साफ जगह पर पाले जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके एक दूसरे के मल खाने की आशंका बनी रहती है। गांव और देहातों में जहां लोगों के लिए आधुनिक शौचालय नहीं है और लोग इस कारणवश खुले वातावरण में शौच आदि करते हैं, अधिकतर ये जानवर सुअर ही इन गंदगियों को साफ करते हैं। कुछ लोग तो ये भी तर्क देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सुअर का पालन पोषण बेहद साफ सुथरे ढंग से और स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अनुकूल माहौल में किया जाता है। ये बात ठीक है कि स्वास्थ्य सुरक्षा को नजर में रखते हुए अनुकूल और स्वच्छ वातावरण में ही सुअरों को एक साथ उनके बाड़े में यहाँ रखा जाता है। लेकिन आप चाहे उन्हें साफ रखने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन सच्चाई ये है कि प्राकृतिक रूप से उन्हें गंदगी ही पसंद आती है। सुअर के मांस से कम 70 अलग अलग तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। किसी इंसान के शरीर में इसका मांस खाने से कई तरह के कीड़े हो सकते हैं, जैसे कि गोलाकार कीड़े, नुकीले कीड़े, फीता कृमि आदि। इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक टेनिया सोलियम है, जिसे आम लोग टेपवर्म कहते हैं। ये कीड़ा बहुत ही लंबा होता है और आंतों में रहता है। इसके अंडे खून में जाकर शरीर के लगभग सभी अंगों में पहुंच जाते हैं, और अगर ये कीड़ा दिमाग में पहुंच जाए तो इंसान की याददाश्त ही चली जाती है। अगर ये दिल में चला जाए तो हृदय की गति रुक जाने का कारण बनता है, और अगर ये कीड़ा आंख में पहुंच जाता है तो इंसान की देखने की क्षमता ही खत्म कर देता है। एक दूसरा खतरनाक कीड़ा ट्राइकुरा टिकुरेसिस है। सुअर के मांस के बारे में एक मिथ्या ये है कि अगर उसे अच्छी तरह पका लिया जाए तो उसके अंदर पनप रहे कीड़ों के अंडे नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अमेरिका में किए गए एक चिकित्सा शोध में ये बात सामने आई कि 24 लोगों में से जो लोग ट्राइकुरा टिकुरेसिस के शिकार थे, उनमें से 22 लोगों ने सुअर के मांस को अच्छी तरह पकाया था। इससे ये मालूम पड़ा कि सामान्य तापमान में सुअर का मांस पकाने से ये जानलेवा अंडे नष्ट नहीं हो पाते। सुअर के मांस में पाए जाने वाली चर्बी संतृप्त वसा यानी कि सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जिससे आपको कोलेस्ट्रॉल की अधिकता और दिल की बीमारी हो सकती है। साथ ही सुअर के मांस में पुट्ठों को मजबूत करने वाले तत्व बहुत कम पाए जाते हैं। इसके उलट उसमें मोटापा पैदा करने वाले तत्व ज्यादा पाए जाते हैं। मोटापा पैदा करने वाले ये तत्व खून की नलियों में दाखिल हो जाते हैं और हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। और दोस्तों, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि 50% से ज्यादा अमेरिकी हाइपरटेंशन और तनाव के शिकार हैं। इसका कारण यही है कि ये लोग सुअर के मांस का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये सब जानने के बाद कुरान में सुअर के मांस को वर्जित बताना एक संजीदा विषय है,
और इसका कुरान में मिलने का एक और कारण जो हो सकता है वो ये है कि सुअर को पीने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। नन्हे शावक को दूध पिला रही मादा सुअर एक दिन में 30 लीटर तक पानी पी लेती है, तो वहीं एक नर सुअर भी एक दिन में 18 लीटर पानी पी लेता है। जहां इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई वहां पानी कम था। ये भी एक कारण हो सकता है कि मांस के लिए सुअर पालना मना किया गया हो। बाकी दोस्तों, आप इस बारे में अगर कुछ जानते हैं तो नीचे कमेंट्स में हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। किसी भी धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाने की मंशा हमारी हरगिज नहीं थी। अगर ऐसा गलती से हुआ हो तो माफ कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए द मिस्टिका लैंड को अभी सब्सक्राइब कर लें और वो घंटी के निशान को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो जैसे ही आए आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।